आपने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस तो सुना ही होगा, और अगर इसे नहीं सुना तो आपने ट्रिपल तलाक केस तो जरूर ही सुना होगा। ये दोनों सिमिलर ही हैं, जिसके बाद हमारा आया था ट्रिपल तलाक एक्ट। तो इस ट्रिपल तलाक के नाम पे इतना बवाल क्यों था, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। जिससे पहले हमें कुछ और चीजें जानने की जरूरत है। सबसे पहले, मुस्लिम लॉ में तलाक डाइवोर्स नहीं होता, वो डाइवोर्स का एक तरीका होता है। और मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को डाइवोर्स के नाम पे बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं कंपैरेटिवली टू वाइफ। हस्बैंड अपनी वाइफ को बिना किसी रीज़न के भी छोड़ सकते हैं। हस्बैंड को अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए इन तीन तरीकों की ज़रूरत होती है, तलाक, इला और जिहार। और वहीं पर वाइफ के पास ये सिर्फ दो ही पावर्स हैं। पहला डेलीगेटेड डाइवोर्स, जिसे हम तलाक तफवीज़ भी कहते हैं, और दूसरा जो उसे कोर्ट के मदद से मिला है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। अब हम आज यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ तलाक के बारे में, और सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम जानते हैं तुहर के बारे में। तुहर क्या होता है? तुहर स्टेट ऑफ प्योरिटी होता है, यानी कि जब कोई विमेन अपनी मेंस्ट्रुएशन पे नहीं होती है, जब वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होती है, वो अपनी स्टेट ऑफ प्योरिटी में होती है, यानी कि तुहर स्टेट में होती है। अब हमें जानना है रिवोकेबल और इरिवोकेबल के बारे में। रिवोकेबल का मतलब होता है जिसे हम वापस ले सकते हैं, और इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसे अब हम वापस नहीं ले सकते हैं। अब हम चलते हैं तलाक की ओर। तलाक दो तरीके से होते हैं, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत को ही हम तलाकुल राजे कहते हैं, और तलाकुल बिद्दत को हम तलाकुल बेन कहते हैं। ये तलाकुल बिद्दत ही ट्रिपल तलाक है, जो कि आगे चल के ट्रिपल तलाक एक्ट के अंदर क्रिमिनलाइज हो जाती है। और तलाकुल सुन्नत को हम रिवोकेबल तलाक भी कहते हैं, क्योंकि विद इन पीरियड ऑफ टाइम हस्बैंड इसे वापस भी ले सकता है। लेकिन तलाकुल बिद्दत को हम इरिवोकेबल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि हस्बैंड किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान इसे वापस नहीं ले सकता। ये जैसे ही प्रोनाउंस होता है, उसका असर तुरंत ही होता है, ये शादी को तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। अब हम बात करते हैं तलाकुल सुन्नत के बारे में। तलाकुल सुन्नत अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है। सुन्नत यानी सुन्ना, और सुन्ना यानी प्रॉफिट के ट्रेडिशंस, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद इसी फॉर्म ऑफ तलाक को रिकमेंड करते थे। ये इसे क्यों रिकमेंड करते थे? क्योंकि ये फॉर्म ऑफ तलाक रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है, यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस करता है, तो ये उस शादी को तुरंत डिसॉल्व नहीं करता। ये तलाक उन हस्बैंड और वाइफ को कुछ टाइम पीरियड देता है अपनी शादी को दोबारा बचाने के लिए। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद इस फॉर्म ऑफ तलाक को रेकमेंड करते थे, और यही तलाक प्रैक्टिस किया जाता था प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के दौरान। और इस फॉर्म ऑफ तलाक को सुन्नी और शिया स्कूल दोनों फॉलो करते हैं। अब तलाकुल सुन्नत के दो टाइप्स होते हैं, तलाक ए हसन और तलाक ए हसन। तलाक ए हसन को मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। इसमें हस्बैंड को अपनी वाइफ की स्टेट ऑफ प्योरिटी, यानी कि तुहर स्टेट में एक बार तलाक प्रोनाउंस करना होता है, और जैसे ही हस्बैंड ये तलाक प्रोनाउंस करता है, उसके तुरंत बाद ही उस वाइफ की इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाती है। अब हस्बैंड अपनी वाइफ की इस इद्दत पीरियड के दौरान ही इस तलाक को वापस ले सकता है। और अगर हस्बैंड उस लड़की के इद्दत पीरियड के दौरान अपना तलाक वापस नहीं लेता है, तो इस इद्दत पीरियड के ख़त्म होने पर इनका डाइवोर्स तुरंत मान लिया जाता है। हस्बैंड इन दो तरीकों से अपना तलाक वापस ले सकता है, पहला एक्सप्रेसली यानी कि बोलकर, और दूसरा इम्प्लाइडली, उस वाइफ के साथ कोहैबिट कर, या तो फिर उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स कर। अब हम जानते हैं तलाक हसन के बारे में। तलाक हसन को प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। ये तलाक ए हसन से लेस फेवरेबल होता है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। इसमें हस्बैंड को तीन सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट करनी पड़ती है तलाक की। ये तलाकुल बिद्दत जैसे तलाक 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 नहीं होता, लेकिन हस्बैंड को कुछ समय रुककर तीन बार तलाक बोलना पड़ता है। इसमें उस हस्बैंड को अपना फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट अपनी वाइफ की फर्स्ट तुहर पीरियड में करना पड़ेगा। तुहर पीरियड के बाद जब उसकी सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब उसकी सेकेंड तुहर पीरियड आएगी, तब हस्बैंड को अपना सेकेंड प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और उस तुहर पीरियड के बाद जब उस वाइफ की थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, और उसके बाद जब उसकी थर्ड तुहर पीरियड आएगी, तब उस हस्बैंड को थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक करना पड़ेगा। अगर किसी वाइफ को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, उसकी मेनोपॉज की स्टेट आ चुकी है, तब इस प्रोनाउंसमेंट को 30 दिन के इंटरवल्स में करना पड़ेगा। और अगर इस बीच हस्बैंड को अपना तलाक वापस लेना है, अपनी शादी बचानी है, तो ये हस्बैंड सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट और सेकंड प्रोनाउंसमेंट के बाद ही कर सकता है। अगर थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो गई, तो उस थर्ड डिक्लेरेशन के बाद उनकी शादी टूट जाएगी, उनका डाइवोर्स हो चुका होगा। ये वैसे ही एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अपना तलाक वापस ले सकता है।
हमने तलाकुल सुन्नत में देखा था कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की तुहर पीरियड के दौरान एक बार ही सिर्फ तलाक बोलना पड़ता था, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जब हस्बैंड तुहर पीरियड के अलावा किसी भी टाइम पे तलाक प्रोनाउंस कर सकता है। इसका पहला एक्सेप्शन है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में शादी कंज्यूम नहीं हुई है, यानी कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। और अगर ऐसा है तो हस्बैंड अपनी वाइफ के पीरियड्स के दौरान भी तलाक को प्रोनाउंस कर सकता है। दूसरा, अगर वाइफ की मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुकी है, या तो फिर मेनोपॉज की वजह से या तो फिर प्रेगनेंसी की वजह से, तो तब हस्बैंड कभी भी तलाक प्रोनाउंस कर सकता है। तीसरा, कि दोनों जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, तब हस्बैंड कभी भी अपना तलाक प्रोनाउंस कर सकता है। अब हम चलते हैं तलाक उल बिद्दत की ओर। बिद्दत जो वर्ड है वो लिया गया है वर्ड बिद्दा से, और बिद्दा का मतलब होता है इनोवेट, यानी कि जो चीज़ नहीं थी लेकिन उसे इनोवेट किया गया है। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ की सिंगल तुहर स्टेज में तीन बार अपना तलाक डिक्लेयर कर देता है, यानी कि तलाक 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 बोल देता है, जिसका असर तुरंत होता है, उनकी शादी तुरंत टूटी हुई मान ली जाती है। इसका मतलब अब इन दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में दोबारा रिकंसिलिएशन का कोई भी ऑप्शन पैदा नहीं होता, इसीलिए इसे मोस्ट डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने इस फॉर्म ऑफ तलाक को कभी भी अप्रूव नहीं किया, इसलिए ये फॉर्म ऑफ तलाक उनके लाइफ टाइम के दौरान कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। कुछ सुन्नी ही इस तलाकुल बिद्दत को फॉलो करते थे, इसे रिकॉग्नाइज करते थे। तो अब हम तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत दोनों को अच्छे से समझ गए हैं, तो अब हम इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि इस ट्रिपल तलाक एक्ट को लाने की नीड क्या पड़ी। तो जो तलाकुल सुन्नत है और जो तलाकुल बिद्दत है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि तलाकुल सुन्नत जो है वो रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है, और जो तलाकुल बिद्दत है वो इरिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है। रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक में हस्बैंड अपना तलाक वापस ले सकता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में दोबारा रिकंसिलिएशन हो सकता है, लेकिन वहीं पर जो तलाकुल बिद्दत है जो कि इरिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है, वो शादी को तुरंत तोड़ देता है, उसका असर तुरंत हो जाता है। इसलिए बहुत सारी जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स इन्फ्रेंज हो रहे थे, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को ट्रिपल तलाक एक्ट लाना पड़ा जो कि इस तलाकुल बिद्दत को क्रिमिनलाइज करता है और उस हस्बैंड को सजा देता है।